यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आपका स्वागत है। राशिफल की बात करेंगे, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। बिजनेस का कोई अच्छा मौका भी आज आपको मिल सकता है। आज धन लाभ होने की संभावना ज्यादा है। पुराने पैसों से जुड़ा कोई फैसला आज आप कर सकते हैं और पैसों को लेकर कोई योजना आपकी बन सकती है। जो भी सवाल आपके मन में है उनके बारे में दूसरों को सलाह करने से ज्यादा आपको फायदा होगा और भविष्य के लिए सोच समझकर कदम उठाएं। लोग आपसे मदद की उम्मीद करेंगे। बिजनेस करने वाले लोग अपने कारोबार में कुछ नया करने का मन बना सकते हैं। तो मेष राशि की ये बात कर रहे थे। अगले राशि की ओर बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं। बिजनेस और कार्य क्षेत्र में फायदों के योग है। पार्टनर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है और भावनाओं का स्तर आज अच्छा आपका हो सकता है। यात्रा की योजना बन सकती है। किसी रिश्तेदार या पुराने दोस्त से मुलाकात के योग बन रहे हैं। किसी की भी सलाह आप ले सकते हैं और परिवार से प्रेम और सहयोग आपको मिल सकता है। निजी कामकाज के लिए पैसों की व्यवस्था हो सकती है। आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से सेहत में सुधार होगा। किसी खास काम की तैयारी पूरी हो सकती है। तुला राशि के लोग धैर्य रखें, आपका बिजनेस बढ़ सकता है और नौकरी में भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। सेहत के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा है। पुराने रोग आपके खत्म हो सकते हैं। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। फालतू दौड़ भाग की भी संभावना है। जरूरत में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने से आज आपको बचना होगा। पैसों और बाकी मामलों को लेकर आपके मन में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग आपके बन रहे हैं और ऐसी ही स्थिति आप ना बनने दें, संभल कर रहें। अपनी बातों और आस्थाओं को लेकर दोस्तों या आसपास के लोगों से भी बहस हो सकती है। आपको सावधान रहना होगा। नौकरी या कारोबार से जुड़ी कोई राज की बात भी आज आप उजागर हो कर सकते हैं और इस तरीके की कोई बात उजागर होने की आज संभावना है। आसपास के साथ काम करने वालों पर अगर शक हो तो सेहत के मामले में सावधानी रखें, चोट लग सकती है। थकान और आलस्य भी आपको रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, कर्क राशि की बात करते हैं। ऑफिस और बिजनेस से जुड़े साथियों से अच्छा सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जीवन साथी से अपनी बात दिल खोल कर कहें। जीवन साथी से बातें शेयर करने से आपको किसी समस्या का समाधान मिल सकता है। सोचे हुए कामों में सफलता आपको मिल सकती है। सितारों की स्थिति देखते हुए आपके लिए आज का दिन काफी खास हो सकता है। करियर में आगे निकलने के लिए आप अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करेंगे और लव लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव होने की संभावना है। प्रेमी आपसे अपनी परेशानियां शेयर कर सकता है। पैसों के मामले में अच्छे खासे सुधार के योग हैं। कोई भी काम करने से पहले दूसरों के बारे में सोच लें तो अच्छा रहेगा। आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी हो सकता है। कहीं घूमने आप जा सकते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिल सकता है। अगले राशि की बात करते हैं, सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। अविवाहित लोग जो प्यार का इजहार करना चाहते हैं, दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा है। काफी अच्छा ये दिन आपके लिए साबित हो सकता है। काम का ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर कामों के नतीजे भी आज आपको मिल सकते हैं। आप थोड़े उत्साही और संवेदनशील हो सकते हैं। चिंता छोड़कर आने वाले वक्त के लिए तैयारियों में लगे रहें। कैरियर में प्रगति का आपको मौका मिल सकता है और नौकरी में प्रमोशन और कारोबार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज आप किसी से भी सिर्फ ठोस और तर्कपूर्ण ही बात करें। आपको नया दोस्त मिल सकता है जो आपके जीवन में फायदेमंद बदलाव वाला साबित होगा। सामाजिक संस्थाओं से सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार के लोगों से भी मदद मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि की बात करते हैं। पदोन्नति के आज आपको मौके मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियां भी आज आपको मिल सकती हैं। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। मकान बदलने का मूड भी बन सकता है। जमीन जायदाद का सौदा होने की संभावना है।
पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सामने आ सकते हैं। नौकरी या कारोबार में आपको किसी तरह का फायदा भी हो सकता है। रहस्यमय और गुप्त विद्याओं को जानने की उत्सुकता आपकी बढ़ेगी। टारगेट पूरा हो सकता है, साथ ही नौकरी में सफलता के भी योग बन रहे हैं। भौतिक सुख बढ़ेगा, जमीन से जुड़े कामों में फायदा होगा और सेहत में सुधार होने के योग बन रहे हैं। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि की बात करेंगे। आप कोई भी नया काम शुरू करने से आज बचे, किसी को उधार पैसा न दे, लव लाइफ के मामले में संभल कर रहे। जो भी फैसला लेंगे वो आसानी से बदल नहीं सकेगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा एकाग्रता के कारण परेशानी आपको हो सकती है, एक तरफा सोच आपको परेशानी में डाल सकती है। खुद को धोखा देने से बचें और झूठे गर्व से दूर रहने की कोशिश करें। वाणी पर संयम रखें, बहुत हद तक आप व्यस्त हो सकते हैं। किसी बात को लेकर ज्यादा जिद ना करें और फालतू विवाद आपके सामने आ सकते हैं। आज आपको संभल कर रहने की जरूरत है, अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें और इस राशि के लोग कोई भी बड़ा फैसला आज संभल कर ही लें। अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे, अधिकारियों से सहयोग मिलने के योग है। नए बिजनेस रिलेशन आपके बन सकते हैं। किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं तो जरूर दे दें, आपके लिए समय अच्छा है। आपका पूरा ध्यान अपने संबंधों पर रहेगा। जीवन साथी के मूड से आप तालमेल बिठाना चाहेंगे तो सफल हो सकते हैं। खुद पर और आने वाले वक्त पर भरोसा रखें। किस्मत के सहयोग से जो भी होगा आपके फेवर में होगा। जो बीत गया उसे भूल जाएं। पैसों की स्थिति में जल्दी ही सुधार होने के योग बन रहे हैं। कुछ नए मौके भी आपको मिल सकते हैं, बदलाव के लिए तैयार रहें। कुछ लोग आपसे ज्यादा ही उम्मीद रख सकते हैं और निवेश के मामले में आपको कोई नई सलाह मिल सकती है। मिलकर किए गए कामों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलने के योग है। प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है, धन लाभ के इशारे मिलेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और प्रेम प्रस्तावों में सफलता के योग हैं। अगली राशि की बात करते हैं, धनु राशि की ओर बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में भी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। किसी को उधार पैसा देने से बचना होगा। किसी के सामने विवाह प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो रुक जाइए, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति में सुधार की कोशिश करें, आप विवादों में उलझ सकते हैं। आप अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जरूरी कामों में जल्दबाजी से बचें और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो धन कमाने से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको दबाव में काम करना पड़ सकता है और मन कंट्रोल करने की कोशिश करें। मन भटकने से नुकसान आपका हो सकता है और आज आपको मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। मकर राशि की बात करेंगे, नौकरी पेशा लोगों को किए गए कामों का फायदा आज मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। पार्टनर आपकी हर बात समझेगा और आपसे सलाह भी लेगा। प्यार के लिए आपको वक्त मिल सकता है। लव लाइफ के लिए आपका दिन काफी अच्छा कहा जा सकता है और पार्टनर को अचानक खुशी मिल सकती है। आप जिससे मदद की उम्मीद करेंगे उससे आपको समय पर मदद भी मिलेगी और महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार होने की संभावना बन रही है। कोई ज्यादा ही जटिल या बहस वाला मामला सामने आए तो उसे कल पर टालने की कोशिश करें। भाइयों और दोस्तों से सहयोग मिल सकता है। रोजमर्रा के कामों में फायदे के योग बन रहे हैं। कारोबार या नौकरी में किसी तरह का रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। ऑफिस में अपने काम को एक दो बार चेक जरूर कर लें। कुंभ राशि की बात करेंगे, अपने निजी जीवन में कोई बड़ी बात आपकी उलझ सकती है। शांति से किसी मामले को निपटा लें वरना परेशान हो सकते हैं। अपना मूड ठीक करें, समस्याओं पर सीधी बात करने की कोशिश करें लेकिन सकारात्मक सोच भी रखें और भविष्य को लेकर न घबराएं। आज आप संवेदनशील मामलों में ज्यादा न सोचें, किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें, इससे फायदा नहीं होगा। किसी भी मामले में नकारात्मक सोच विचार करने से आप उलझ सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां भी परेशानियां आपकी बन सकती हैं। आपकी बनाई योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। आंखों में थोड़ी जलन होगी और सेहत के मामले में दिन थोड़ा ठीक कहा जा सकता है। मीन राशि की बात करेंगे, करियर संबंधी नए मामले आज आपके सामने आ सकते हैं। मेहनत से ही सफलता के योग बन रहे हैं। लाइफ पार्टनर या प्रेमी को लेकर आप ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। किसी की
बात को गलत समझकर अपना मूड न बिगड़ने दे और खुद पर नियंत्रण रखें। कारोबार के लिए आपका दिन काफी अच्छा है। छिटपुट परेशानियों से निपटने के लिए सफल आप हो सकते हैं। अपने जरूरी कामों पर ध्यान रखें, दूसरों की मदद करें, परिवार के साथ आपके संबंधों में सुधार हो सकता है। अलग काम करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी हो सकते हैं। पैसों के मामलों को सुलझाने के लिए आपको बातचीत करनी होगी। दोस्तों और भाइयों से समय पर मदद मिलने के योग बन रहे हैं। तो ये था आज का राशिफल जो हमने आपको बताया और बताया कि कैसा आज का आपका दिन रहने वाला है और भाग्य के अनुसार भाग्य का चक्र किस तरीके से घूमता है। फिलहाल भाग्य चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।